तो फाइन गाइस दुल्हन आ रही है अभी। मोनिका को देखो कैसे जेठानी जी मेरे वहाँ पे फोटो शूट, पापा जी यहाँ पे जान है, ये मेरा हार का डब्बा जो कि मुझे मेरी मौसी ने दिया था। हे गाइस सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीबन 11:15 बजे से। तो मौसम की बात करें तो एक बार आज का मौसम दिखा देती हूँ आपको। तो मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफी ज्यादा सुहाना है, कड़ी धूप लगी हुई है बाहर। हमारा काम खत्म हो चुका है और आज हमारे गांव में है डे की शादी। तो फाइनली गाइस मैं जा रही हूँ शादी में, नहीं हुई हूँ तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद चलते हैं शादी में, क्योंकि और तो सब तैयार हो चुकी है और मैं ही बाकी हूँ। तो पहले मेरा मतलब मेरा मन नहीं था जाने का, तो मैं सोच रही थी मैं नहीं जा रही, लेकिन घर में सब बोल रहे कि हाँ कि चलना है करके, तो फिर मैं भी जा रही हूँ। तो फटाफट से रेडी कर गाइस आप पहन रही हूँ मैं अपने कान के। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं, क्योंकि बाहर दीदी जी वह मेरी जेठानी वह सब कर रहे हैं मेरा भी, वे सोच रहे होंगे क्या कर रही है अंदर। तो फटाफट से चलती हूँ और ये मेरा फाइनल लुक ये अंदर। और गाइस बताना जरूर मैं कैसे लग रही हूँ। तो चलते हैं बाहर और मुझे ना शर्म भी आ रही है बाहर जाने में। और फाइनली गाइस घर से ना सब निकल चुके हैं, लास्ट में ही बची हूँ। तो और ये बाहर हो रही है आके सबके यहाँ पे फोटो शूट, दीदी और की यहाँ देखो, चलो अरे देखो यार दीदी की रील्स बन रही है यहाँ पे। और आगे टेंट है, यहीं हमारे घर के थोड़ा सा ही आगे शादी है दोस्त बाजू में। बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी और तीनों मेरी जेठानी है। तो अब जा रहे हैं हम शादी में और शादी में ही आ गए हैं, टेंट लगा हुआ है। एंड फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं शादी में। एंड फाइनली गाइस यहां पे है लड़की की शादी और बारात पहुंच चुकी है। तो मैं अब दिखाती हूं आपको दूल्हा राजा। फाइनली गाइस काफी वेट करने के बाद दुल्हन पहुंच चुकी है जय माला के लिए। गाइस दुल्हन स्टेज पे पहुंच चुकी है जय माला के लिए। फाइनली गाइस जय माला संपन्न हो चुकी है, अब छोटे छोटे बच्चों का डांस एंजॉय करिए। एंड फाइनली गाइस आपको ले चलते हैं खाने की तरफ, तो आइए खाना एंजॉय करिए और आप भी खाना खा के जाइए।
तो गाइस यहाँ पे आते ही यहाँ पे खाना खाने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है ना, तो लोग ऐसे झपटे पड़े हैं खाने खाने में यहाँ देखो। तो गाइस आप सबके लिए चाउमीन, और यहाँ देखो चाउमीन खाने के लिए बच्चे कैसे प्लेट लेके खड़े हो रखे, एक के ऊपर एक सीधा कितनी वो कैसे हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों का देखो। तो गाइस मैं भी चलती हूँ खाना खाने के लिए, और गाइस यहाँ देखो सुमन और मोनिका को देखो कैसे झपटे पड़े हैं चाउमीन पे। तो गाइस फाइनली मैं खाना खा के आ चुकी हूँ, और अभी बैठी हूँ अपनी जेठानी जी और कश्मीर। हम शादी से होकर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम अपने घर, और हमारा घर ये जो आगे दिख रहा है ये हमारा घर है। तो शादी हमारे घर के जस्ट बाजू में ही थी, और पीछे से आ रही है मेरी जेठानी जी देखो। तो ये सब आपस में बात करते करते आ रहे हैं और मैं आगे जा रही हूँ। पीछे दीदी और की हो रही है वहाँ पे फोटो शूट, लेकिन मेरा फोटो खींचने का मन नहीं है क्योंकि मेरा मैंने खाना बहुत ज़्यादा खाना था, मेरा पेट भर चुका है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ घर, और दीदी जी और बोल रहे हैं हमारी फोटो शूट करो करके। देखो दीदी और की दीदी जी की हो रही है यहाँ पे फोटो शूट, तो मैं भी फोटो शूट कर देती हूँ। देखो मैं भी हो रही हूँ फोटो शूट। तो फाइनली गाइस आप सबको लेकर चलते हैं अपने घर की तरफ, तो आइए गाइस। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर में, और ये हमारा घर। और गाइस मैं आई फोटो शूट करके, और यहाँ पे मोनिका और सुमन की तो आज फोटो भाई कब से एक घंटा हुआ है ना फोटो के लिए, फोटो शूट करते करते यहाँ देखो इन दोनों का इन दोनों की यहाँ पे फोटो शूट हो रही है, पूरा एक घंटा हो गया, एक घंटा से यहाँ देखो। पानी सींच रहे, और इधर आगे जस्ट बाजू में थी शादी, गांव वालों की शादी थी, तो गांव की शादी में जा रहे थे हम। तो पापा जी पानी सींच रहे हैं पेड़ पौधों में, और इन दोनों की सुमन और छिड़की की वही फोटो शूट, और दीदी जी यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं शायद, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। आ गई है छिड़की सुमन और मोनिका अंदर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, तो मैं सबसे पहले आऊँगी पानी पी के। ऐसी है हमारा किचन, और पानी तो मैंने बोल में ही भर रखी है आज यहाँ पे, तो फटाफट से पानी पी लेती हूँ। क्या हिसाब सबके लिए पानी, कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कपड़े चेंज करने के बाद। तो गाइस आइए आप सबको लेके चलती हूँ अपने रूम पे। तो गाइस फाइनली ये है गाइस मेरा रूम, तो आप सबको कैसा लगा मेरा रूम, तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मेरा मंगलसूत्र देखो कहाँ जा रहा है, आसमान छू रहा है। तो फाइनली गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो और मैंने यहाँ देखो साड़ी कैसे फेंक रखी है अपने बिस्तर के ऊपर, और यहाँ देखो मेरा बुग्गू बेचारा कैसे सो रखा, ये तो मेरी जान है। अरे किसी ने गाइस यहाँ देखो मेरा बुग्गू की सिलाई फाड़ दी, ये मेरे बुग्गू की ना कदर नहीं करते बिल्कुल भी, सही बताऊँ आपको। तो फिलहाल मेरा बुग्गू यहाँ पे आराम कर रहे है ना बुग्गू, हाँ। तो गाइस मैंने बुग्गू नीचे रख दिया, तो गाइस ये मेरा हार का डब्बा जिसपे की मुझे रखने हैं क्या अपना हार और छाल वाला, जो कि मुझे मेरी मौसी ने दिया था मुझे शादी के टाइम। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं विनीता राणा मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड बाय।